इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टासीन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, यज्ञ शिष्टासी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टाम मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वैष्णव के द्वारा पंच महायज्ञ सहजता पूर्वक हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वैष्णव के द्वारा पंच महायज्ञ बड़ी सरलता पूर्वक हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है। द्विजाति वेद पाठ पुराण का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे ब्रह्म यज्ञ हो जाता है। और वैष्णव हरिनाम संकीर्तन करता है जो वेदों का सार है, भगवान का गुणगान करता है, आचार्यों की पदावली गाता है अथवा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है, इसी से उसका ब्रह्मयज्ञ संपादित हो जाता है। गीता भागवत रामायण का पाठ तो प्रत्येक वैष्णव करते ही अपने स्वाध्याय में, नित्य स्वाध्याय में स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, उससे ब्रह्मयज्ञ हो जाता है। संपूर्ण देवताओं का मूल भगवान है, सबकी जड़ ठाकुर जी हैं। जैसे जड़ में जल सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही अनन्य भाव से, दृढ़ भाव से, इष्ट भाव से अपने आराध्य प्रभु की अष्टयाम सेवा करने से, उनको भोग धराने से, उनकी लाड़ चाव की सेवा करने से जब ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई भी देवी देवता असंतुष्ट नहीं रह जाता। वृक्ष की जड़ में जल सींचने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसी सबकी तृप्ति हो जाती है। तो मान लो वह यज्ञादि करना नहीं जानता, आहुति देना नहीं जानता है, लेकिन भगवत सेवा करता है, तो भगवत सेवा से भगवान की तृप्ति हुई, और भगवान की तृप्ति हुई तो भगवान विश्वात्मा है, सबकी तृप्ति हो जाती है। इस प्रकार से उसका देव यज्ञ भी संपादित तो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए, अग्नि में आहुति दे तो अच्छी बात है, क्यों, अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के तो पूर्वजों ने 100 सोम यज्ञों का संकल्प लिया था, और आपके पिताजी के द्वारा वो संख्या जब पूरी हुई तब साक्षात भगवान के मुखावतार वैश्वानर प्रभु ही आचार्य चरण के रूप में प्रकट हुए। श्री श्रीमद वैश्वानर अवतार उनको कहा जाता है। तो यज्ञादि निषिद्ध नहीं है, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान के चरणों में ही उनका फल अर्पित कर दिया करते हैं, ये देवयज्ञ हो गया। पितरों को जल देने से तृप्ति होती है, ये पितृयज्ञ हो जाता है। पितृयज्ञ समय पर श्राद्धादि करना चाहिए, वैष्णव को भी श्राद्धादि समय से करना चाहिए। और अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनके सैकड़ों जन्मों के पितर भी मुक्त हो जाते हैं। आप केवल तर्पयामी तर्पयामी करेंगे तो वह एक निश्चित समय के लिए तृप्ति होगी, आप ईमानदारी से भजन में लगे हैं तो आस्फोटयंत पितराहत नृत्यंत चुरुमुहु मत्कुले वैष्णवो जाता सनस्त्राता भविष्यति, पितर ताली बजा बजा के नाचते, ये भगवान के धाम इसके भजन की महिमा से हम चले जाएंगे। तो पितृयज्ञ भी संपन्न हो जाता, क्योंकि सर्वेशां पितृरूपी जनार्दन, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म का आचरण करने से ऋषि यज्ञ हो जाता है, स्वाध्याय करने से, धर्म शास्त्रों को पढ़ने से ऋषि यज्ञ हो जाता है। ये ऋषि यज्ञ क्या है? देखो, धर्म का आचरण करने से ऋषियों की तृप्ति होती है, ऋषि प्रसन्न होते हैं। और वैष्णव जिस धर्म का आचरण करता है वो केवल धर्म नहीं है, वो क्या है? परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे आई तो क्य प्रतिहत यत्मा संप्रसिद्धति, वो परम धर्म है जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो समस्त ऋषि भी उस पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब कौन सा बचा यज्ञ? अब बचा सर्वभूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो वैष्णव सबको ही देता है, पक्षियों को देता है, पशुओं को देता है, गाय को भी ग्रास देता है, इनको तो देता ही है। और भगवत प्रसाद अर्पित करने के बाद किसी वैष्णव को जिमा करके तप पाता है तो यही अतिथि सत्कार, इसको मनुष्य यज्ञ अथवा भूत यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से भगवत शरणागत जो प्राणी हैं उनके द्वारा पांचों यज्ञ
बिना जाने भी सहज ही हो जाते हैं। इसलिए अवश्य ही पुराना आपने देखा होगा, माताएं घर में अग्यारी करती थी, कंडे की आंच पे घी शक्कर लेकर के थोड़ा चावल मिला करके अग्यारी कर देती थी रसोई बनने के बाद। कितनी अच्छी परंपरा थी कि भले कुछ नहीं तो कम से कम अग्यारी कर दिया उन्होंने, तो इतने में ही तो हो गया, इतने में भी और उसकी पूर्ति तो हो ही जाती है। इसलिए पंच महायज्ञ पूर्वक ही पाना चाहिए।